फाइनली दोस्तों, फाइनली डिश टीवी की ओर से जिंग सुपर एफटीए बॉक्स हमारे बीच पहुंचा दिया गया है। ये जो है एक्सक्लूसिवली अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप देख रहे हैं जर्नलिज्म गाइड यूट्यूब चैनल पर, और जल्दी देख पाएंगे ट्रू गजन स्टोर यूट्यूब चैनल पर। इस बॉक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, खासियत क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफी लोगों की ये मांग थी कि जिंक सुपर एफटीए बॉक्स को एचडी में भी लॉन्च किया जाना चाहिए, ताकि जिनको एचडी चैनल्स देखने हो, जिनके पास एचडी टीवी हो, तो वो भी देख पाए। और कंपनी ने आपकी बात को स्वीकार करते हुए जिंक सुपर एफटीए बॉक्स को हाई डेफिनेशन में भी लॉन्च यानी एचडी में भी कर दिया है। इस बॉक्स की जो कॉस्ट होगी वो 200 से 400 रुपए आपको अधिक देनी होगी, क्योंकि कंपनी की ओर से इस बॉक्स की जो कॉस्ट है वो 200 से 400 रुपए ज्यादा रखी गई है, क्योंकि ये एचडी बॉक्स है और एचडी बॉक्स की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा ही देनी पड़ती है। और दोस्तों, अगर आपको एक हाई डेफिनेशन मनोरंजन चाहिए, अगर आप भी इंतजार कर रहे थे एचडी चैनल्स को देखने का, तो मुझे लगता नहीं है कि 200 से 400 रुपए अगर ये महंगा भी है तो वो आपके लिए महंगा सौदा होगा, क्योंकि इसमें आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी तो फ्री मिल रहा है, क्योंकि एचडी बॉक्स भी आपको मिल रहा है, 2 साल का आपको पैकेज भी मिलेगा जिसमें 275 से भी ज्यादा चैनल्स मिलेंगे। साथ ही में आप जो है किसी भी एचडी चैनल को भी सब्सक्राइब करके देख पाओगे, जैसे कि जी टीवी एचडी, सोनी एचडी, क्रश एचडी, स्टार प्लस एचडी, जी सिनेमा एचडी, सोनी मैक्स एचडी और स्टार गोल्ड एचडी, ऐसे अनगिनत एचडी चैनल्स जो हैं वो डिश टीवी की ओर से जो भी आपको दिए जा रहे हैं, उन सभी को आप सब्सक्राइब करके अपने इस बॉक्स में देख पाओगे। अब 200 के सब्सक्रिप्शन में आपको कौन कौन से चैनल्स मिलने वाले हैं, तो उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी ये जो बॉक्स है आपके घर पर भी आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और वह कह रहा है कि दरवाजा खोलो, मुझे आना है, तो इसको आप अपने घर में इन्वाइट कीजिए। इन्वाइट करने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिंक दे दी है, वहां पर जाइए, इसका तुरंत ऑर्डर प्लेस करें, और जितना जल्दी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ही जल्दी आपको थोड़ा सस्ता मिलने वाला है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो अभी आपको हमारी ओर से कम मिल रही है और एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे पास ही मिल रहा है। जिंक सुपर एफटीए बॉक्स एचडी सिर्फ और सिर्फ ट्रू गजन स्टोर पर ही अवेलेबल है, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला। जल्दी कीजिए, ऑर्डर में देरी मत कीजिए, क्योंकि 2 साल का सब्सक्रिप्शन एचडी चैनल्स को देखने का मौका, साथ ही में एक एचडी बॉक्स, वो भी 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ बिल्कुल फ्री, इससे बढ़िया डील और कहीं नहीं मिलने वाली। देरी किस चीज की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। एक आपको मिलने वाली है हाई क्वालिटी की ऑडियो वीडियो केबल। बेसिक सेटअप बॉक्स आपको एचडी दिया गया है, लेकिन ऑडियो वीडियो केबल कंपनी की ओर से आपको मिल रही है, और अगर आपको एचडीएमआई केबल चाहिए तो उसके लिए जो है आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी होगी। एक आपको मिलने वाला है हाई क्वालिटी का डिश टीवी का अडैप्टर। एक आपको मिलने वाला है डिश टीवी का रिमोट कंट्रोल। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो डिश टीवी की ब्रांडिंग मिलेगी, सेंटर में आपको मेन्यू ऑप्शन और ऊपर पावर का बटन। बाकी ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आपको मिलने वाली है रिमोट की बैटरीज। अब बात आती है आखिरी यूनिट की, तो वो है हमारा सेटअप बॉक्स। आगे आपको डिश एनएक्सटी एचडी की ब्रांडिंग मिलेगी, सेंटर में आपको इंडिकेशन मिलेगी, साथ ही में आप देख सकते हो D5008HD की ब्रांडिंग यानी कि मॉडल नंबर, साथ में ऊपर आप देख सकते हो जिंक सुपर एफटीए का जो है स्पेशल एडिशन। इस तरफ बात करोगे तो वेंटिलेशन की जगह मिलेगी, इस तरफ बात करोगे तो आपको एक यूएसबी पोर्ट जो है वो इस तरफ देखने को मिलने वाला है, और बैक साइड की प्रोफाइल में बात करते हैं तो ऊपर जो है आपको एचडीएमआई की ब्रांडिंग, डिश टीवी की ब्रांडिंग, LNB इन, HDMI आउट, साथ ही में आपको ऑडियो वीडियो आउट और अडप्टर का और रीसेट का जो बटन है वो देखने को मिलने वाला है। जैसे हमने अपने सेटअप बॉक्स को टीवी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले वो आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आपको अपग्रेड करना है वो SCS8 सैटेलाइट पर करना है, जो कि डिश टीवी का रहता है। इन केस अगर आप D2H में इस्तेमाल करना चाहते हैं बॉक्स को ST2 सिग्नल्स में साउथ इंडिया के लिए, तो आप यहाँ पर ST2 के सिग्नल्स को लेकर आएंगे और उसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे। अब सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको सेम एज इट इज़ रहने दीजिए। इन केस अगर आप DC को एक स्विच यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अन्यथा इसको आप नन भी कर सकते हैं। अब सिंपली स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली हमारा जो है सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अपडेट हो गया है बॉक्स में, और आपका जो बॉक्स है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा एक नए सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ। और लोडिंग प्लीज वेट के बाद दोस्तों आपका जो अगला यूजर इंटरफेस होगा वो डिश टीवी का लोगो हो सकता है, और उसके बाद जो है आपका सेटअप बॉक्स रेडी हो जाएगा टीवी चैनल्स दिखाने के लिए। हमारा जो बॉक्स है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिखाई देगी वो है 102 लो अकाउंट बैलेंस की प्लेट। तो फाइनली दोस्तों, जो जिंक सुपर एफटीए एचडी बॉक्स है उसमें कुछ इसी प्रकार का यूजर इंटरफेस आपके बीच आने वाला है, सेम उसी तरीके का यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिस तरीके से आपके नॉर्मल जिंक सुपर एफटीए बॉक्स में देखने को मिलता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप HD चैनल्स को भी देख पाएंगे, जबकि आपके बाकी जिंक सुपर एफटीए बॉक्स में आप HD चैनल देख नहीं पाते थे। वही चैनल सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम आपको उसी प्रकार का यूजर इंटरफेस ही दिखाई देगा जिस तरीके से आपके नॉर्मल जिंक सुपर एफटीए बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इसमें जो हाई डेफिनेशन चैनल्स हैं उसको भी इजिली सब्सक्राइब करके देख सकते हो, जिस तरीके से आप सामने देख पा रहे हैं कि ट्रैवल एक्सपी HD हमारे जिंक सुपर एफटीए HD बॉक्स में देखने को मिल रहा है। आप अगर आप चाहें तो किसी भी HD चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर देख सकते हो। तो कैसा लगा ये बॉक्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और जो जो भी इस बॉक्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और साथ ही में इस बॉक्स को जिसने भी खरीदना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस बॉक्स को तुरंत ऑर्डर प्लेस करें।